4000 किलोमीटर की यात्रा करने के बाद, 62 सभाओं को करने के बाद, आज 27 फरवरी को जब हम लोग पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में एक नया इतिहास लिख रहे हैं, तो मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि ये दिन चंद्रशेखर आजाद का शहादत दिवस भी है। जिन लोगों को आजाद और आजादी शब्द से दिक्कत है, उन लोगों की नफरत भरी विचारों के खिलाफ वो तमाम परमानेंट यात्री 60 से 62 लोग हमेशा हमारे साथ चलते रहे। कई साथी अपना महत्वपूर्ण काम छोड़कर, कई साथी अपनी नौकरियों से वक्त निकालकर, और कई साथी अपनी पत्नियों का डांट सुनकर, अपने बच्चों का डांट सुनकर हमारे साथ घूमते रहे। मंच पे जो विभिन्न राजनीतिक दल के लोग यहां मौजूद हैं, वो तमाम लोगों ने एक बड़ी भूमिका निभाई है इस ऐतिहासिक रैली को अंजाम तक पहुंचाने में। कांग्रेस पार्टी के सीनियर विधायक अवधेश बाबू यहां आए थे, हमारी गाड़ी के साथ उनका भी गाड़ी फोड़ दिया था। वो तमाम पत्थर जो हमारी यात्रा के ऊपर चलाए गए हैं, उस कातिलाना हमले के वक्त भी शकील भाई एक बड़े भाई की तरह जेएनयू के पुराने प्रेसिडेंट की जो भूमिका हो सकती है, उस भूमिका को वो निभाते रहे, सब लोग साथ खड़े रहे। आप में सबका आभार व्यक्त करना चाहता हूं। मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं अपने प्रशासन का, पुलिस का, और मुझे इनसे कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि मुझे मालूम है कि इनको ड्यूटी निभानी पड़ती है और सरकार की हाजिरी भी बजानी पड़ती है। मुझे मालूम है कि तमाम कठिनाइयों के बावजूद हमारी सभाएं हुई, परमिशन आखिरी मौके पर कैंसिल कर दिया जाता था, तो लोगों ने अपने खेत का फसल उखाड़ करके, मधेपुरा में खेत का फसल उखाड़ करके लोगों ने आम सभा कराई। उस किसान को मैं यहां से सलाम पेश करना चाहता हूं। वो एक एक जवान जो पुलिस की वर्दी पहना हुआ है, जब हमारे ऊपर पत्थर चलते थे तो सर उस जवान का भी फूट सकता था। वो अंगरक्षक के तौर पे बिहार पुलिस के जो जवान हमारे साथ रहे हैं, मैं उनको आभार व्यक्त करना चाहता हूं। मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं बिहार की मीडिया का। हम जानते हैं दिल्ली से आपको बहुत दबाव होता है, फिर भी आपने खबर लगाई, इसके लिए हम आपको अपना आभार व्यक्त करते हैं, आपको धन्यवाद करते हैं। और मैं विशेष रूप से धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं CANRC NPR विरोधी संघर्ष मोर्चा का, क्योंकि आप तमाम लोगों को यह एहसास हो गया होगा कि यह कन्हैया की रैली नहीं है। ये मार्केट में भ्रम था, बहुत सारे लोग कह रहे थे कि विधानसभा चुनाव की तैयारी हो रही है। दोस्त, देश बचेगा, बिहार बचेगा, संविधान बचेगा, तब न चुनाव होगा। ये एक व्यक्ति की रैली नहीं है, CANRC NPR विरोधी संघर्ष मोर्चे के वो तमाम लोग और एक आवाज पे अपना काम छोड़कर तुषार गांधी, मेधा पाटकर, कन्नन गोपीनाथन, सारिका चौधरी, शाहनवाज भाई, वो तमाम लोग जो यहाँ आए हैं, और हमारे हम उम्र तो नहीं हैं लेकिन दोस्त की तरह बंगाल में हमारे साथ यात्रा कर रहे थे, जब हमने CANRC और NPR के खिलाफ दार्जिलिंग से लेकर कलकत्ते तक की यात्रा की थी, साथी विक्टर भाई भी CANRC विरोधी संघर्ष मोर्चा बंगाल की तरफ से आए हैं, और बंगाल से भी कुछ साथी आए हैं इस कार्यक्रम को सुनने के लिए। आप तमाम मेहमानों का मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं, और आपसे मैं एक चीज साझा करना चाहता हूं। मेरी अवस्था ये नहीं है कि अमूमन मैं उस शैली में बात कर सकूं जिस शैली में मैं बात करता हूं। वजह यह है कि पिछले 3 दिनों से मुझे नींद नहीं आ रही है, कल रात भी मैं सो नहीं पाया था, इसी वजह से मैं देर से पहुंचा यहां।
वजह यह है कि देश में जो चल रहा है उसका जो उथल पुथल है, उसका जो दर्द है, वो दर्द सोने नहीं दे रहा है। इसीलिए आप सब से माफी मांगते हुए मैं आपसे ये गुजारिश करता हूं कि हो सकता है कि इस अवस्था में मेरे शब्द किसी को बुरा लग जाए, किसी को पसंद ना आए, तो ये राजनीतिक तकरीर नहीं है, ये राजनीतिक भाषण नहीं है, ये सोच करके उसको माफ कर दीजिएगा। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि आज देश के भीतर जो हालात पैदा किए गए हैं, उस हालात में बोलना तो जरूरी है ही, लेकिन जिन लोगों ने अपनों को खोया है, जिनके बच्चों को मार दिया गया है और उनका कोई कसूर नहीं था, वो दवाइयां लेने के लिए जा रहे थे, वो राशन लेने के लिए जा रहे थे, वो अपने बच्चे को स्कूल पहुंचाने के लिए जा रहे थे, वो अपना दुकान खोलने के लिए गए थे, जिनका घर जलाया गया, जिनके ठेले जलाए गए, जिनके अपनों को छीन लिया गया, आप बेशक इस अन्याय के खिलाफ बोलिए, लेकिन मैं आप सबसे ये अपील करना चाहता हूँ कि आप सब अपनी जगह पर खड़ा होकर एक मिनट के लिए उन तमाम लोगों के लिए जिनकी मौत हुई है, उनके लिए शांति की अपील में हमारा साथ दीजिए। हम लोग एक मिनट का मौन धारण करना चाहते हैं।